A very good morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you, student? I hope you all are fine. Today I am teaching you English. Now I am going to take up chapter 8, The Brave Farmer. So students, ये chapter हम read कर चुके हैं. इसकी comprehension skill, word power and glorious grammar भी हम कर चुके हैं. Students, आज हम करेंगे इसके question answer. तो question answer पहले आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपनी book में fill करेंगे और उसके बाद आप इसे learn करेंगे. Okay students, तो start करते हैं answer the following question. क्वेश्चन वन है आपका, हु केम इन टू द किंगडम वन डे, एक दिन राज्य में कौन आया था. तो कौन आया था, एक विग जायंट आया था ना, एक दुष्ट राक्षस आया था ना. यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वन होगा, अ विग जायंट कम इन टू द किंगडम वन डे. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया. विग की स्पेलिंग क्या होगी, WICKED विग, और जायंट की GIANT जायंट. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकेंड है, वॉट डिड द किंग अनाउंस, किंग ने क्या अनाउंस किया था. आंसर टू है, द किंग अनाउंस अ बिग रिवॉर्ड फॉर द पर्सन हु कुड डिफीट द एविल जायंट. तो एल किंग ने क्या अनाउंस किया था कि वो मतलब बिग रिवॉर्ड देंगे उस पर्सन को जो इस बैड जायंट को मारेगा. तो स्टूडेंट्स, ये आंसर थोड़ा बड़ा है, तो आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा इसमें. ओके, और अच्छी राइटिंग में करिएगा. ओके, क्वेश्चन थर्ड है, हु वॉज दीनू, वॉट डिड द किंग आस्क दीनू टू डू. दीनू कौन था और किंग ने दीनू से क्या करने को कहा था. तो आंसर पहले लिखेंगे हम, दीनू वॉज अ पुअर फार्मर, दीनू पुअर फार्मर था. और फिर किंग ने क्या बोला था उससे करने को, द किंग आस्क्ड दीनू टू डिफीट जायंट. किंग ने दीनू को कहा था कि वो जायंट को मारे. ओके, मतलब उसे डिफीट करे. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फोर्थ है, वेयर डिड द जायंट टेक दीनू, जो जायंट था वो दीनू को कहाँ लेके गया था. तो आंसर फोर है, द जायंट टुक दीनू टू मीट अ बैड जिनी. जायंट दीनू को कहाँ ले गया था, अपनी फ्रेंड बैड जिनी से मिलाने. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फोर्थ हो जाएगा, द जायंट टुक दीनू टू मीट अ बैड जिनी. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फाइव है, हाउ डिड द जायंट एंड द जीनी डाई इन द एंड. लास्ट में जायंट और जीनी कैसे मर गए थे. तो आंसर फाइव है, द जायंट एंड द जीनी बिगेन टू फाइट विथ ईच अदर एंड सून दे डिड इन डाइड इन द एंड. ओके स्टूडेंट, तो वो मतलब उन्होंने फाइट स्टार्ट कर दी थी एक दूसरे से और फिर लास्ट में वो क्या हो गए थे, लड़ते लड़ते मर गए थे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आपको आपकी अच्छी राइटिंग में अपनी बुक में ही फिल करना है और लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स.